नमस्कार, केपी न्यूज के 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बस्वे कल्याण में 5 दुकानों को लगी आग, 9 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने बुझाई आग। पुणे में शोरूम में घुसकर चोर लॉकर से उड़ा ले गए 3 करोड़ का सोना, सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की पूरी घटना। पीएम मोदी ने लक्षद्वीप में 1156 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन, कहा सरकार कर रही समुद्री एरिया का विकास। असम के गोलाघाट में भीषण सड़क हादसा, बस ट्रक की टक्कर में 12 मौतें और 25 घायल। टीएमसी नेता मोहम्मद मोइत्रा के खिलाफ एक और शिकायत दर्ज, वकील अनंत देवराय ने लगाया जासूसी का आरोप। अब समाचार विस्तार से। बस्वे कल्याण के ईश्वर कॉलोनी में पूजा एचपी पेट्रोल पंप के सामने 5 दुकानों को आग लगी। यह घटना रात में 3 बजे हुई। उमेर फर्नीचर, रशीद फर्नीचर, खुर्शीद वाटर फिल्टर, बिलाल एग्रो ऑटोमोबाइल, केके फर्नीचर, इस तरह के 5 दुकानों को आग लगी। इस आग को काबू करने के लिए जेसीबी से शेड को तोड़कर निकाला गया। बस्वे कल्याण फायर ब्रिगेड से कंट्रोल न होने के कारण से रात में हुमनाबाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी मंगाई गई। इस भीषण आग को काबू करने के लिए लगभग 9 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगी। रात में 3 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक बड़ी मशक्कत के बाद आग को काबू में किया गया। इस घटना में लगभग नुकसान खुर्शीद फिल्टर 6 लाख, उमेर फर्नीचर 40 लाख, रशीद फर्नीचर 20, केके फर्नीचर 5 लाख बताया जा रहा है। बस्वे कल्याण से केपी न्यूज के संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। दक्षिण भारत की राजनीति में बड़ा उलटफेर होने वाला है। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी वाईएसआरटीपी के प्रमुख वाईएस शर्मिला अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में करने वाली है। कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात करने के लिए वह आज बुधवार 3 जनवरी को दिल्ली में होंगी। माना जा रहा है कि शर्मिला इस सप्ताह के आखिरी में कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय कर सकती है। दक्षिण भारत की राजनीति में एक बड़े चेहरे के तौर पर जानी जाने वाली शर्मिला आखिर कौन है, जिनके जरिए कांग्रेस उनके भाई जगनमोहन रेड्डी को ही बड़ी चुनौती देने की रणनीति बना रही है। चलिए हम आपको बताते हैं। पुणे के एक शोरूम से 3 करोड़ के गहने चोरी होने का मामला सामने आया है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। यह घटना 31 दिसंबर को रविवार पेट इलाके में घटी। पुलिस के अनुसार शोरूम के मालिक ने अपने शिकायत में बताया कि 3 करोड़ कीमत की कुल 5 किलो सोना चोरी किया गया। मालिक ने बताया कि शोरूम तोड़कर आए चोरों ने काउंटर से 10 लाख नकद भी ले गए। सीसीटीवी के फुटेज में सफेद हुडी पहनकर चोरों को लॉकर खोलकर उसमें से सोना निकालकर अपने बैग में भरते हुए देखा गया। पुलिस ने बताया कि चोरों ने पूरा लॉकर खाली कर दिया था। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चोरों को पकड़ने के लिए अधिकारियों की एक टीम बनाई गई है। चोरों के पास दुकान की नकली चाबी भी थी, जिसकी मदद से उन्होंने लॉकर से सोने की चोरी की। अंता से नवनिर्वाचित विधायक कंवर लाल मीणा अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। बता दें कि बारां जिले के अंता में नवनिर्वाचित विधायक कंवरलाल मीणा अपने अलग अलग अंदाज से लोगों का दिल जीतने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। कभी वे राम कथा में दर्शकों के साथ झूमते नजर आते हैं, तो कभी खुद ढोलक या तबला बजाकर अपनी सादगी का पैगाम दे रहे हैं। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार 3 जनवरी को केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में 1156 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने यहां लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी के बाद लंबे समय तक इस देश में जिनकी सरकारें रही हैं, उनकी प्राथमिकता अपने दल का विकास रहा है। हमारी सरकार ने समुद्री एरिया का विकास और बॉर्डर एरिया का विकास किया है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ने आज यात्रियों की सहूलियत के लिए जो प्रयास किया है, उसका भी लाभ लक्षद्वीप के लोगों को मिला है। हज यात्रियों के लिए वीजा नियमों को आसान बनाया गया है। हज से जुड़ी ज्यादातर कार्रवाई अब डिजिटल होती है। सरकार ने महिलाओं को बिना महरम हज जाने की भी छूट दी है। इन्हीं सब प्रयासों की वजह से उमराह के लिए जाने वाले भारतीयों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि लक्षद्वीप भले ही छोटा है, मगर इसका दिल बहुत बड़ा है। मैं यहां
मिल रहे प्यार और आशीर्वाद से अभिभूत हूं। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद दशकों तक केंद्र में रही सरकारों की एकमात्र प्राथमिकता अपने अपने राजनीतिक दलों का विकास करना था। पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने सीमावर्ती इलाकों और समुद्री इलाकों को अपनी प्राथमिकता बनाया है। मणिपुर से एक बार फिर दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। मणिपुर में 4 व्यक्तियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। घटना के एक दिन बाद कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को यानी 2 जनवरी 2024 को वहां की स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और सरकार से पूर्वोत्तर राज्य में सभी हितधारकों से बात करके स्थिरता और शांति के लिए ठोस कदम उठाने का आग्रह किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि मणिपुर की सभी पार्टियों के नेताओं के संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली आकर प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा था, लेकिन उन्होंने आज तक समय नहीं दिया। न वे मणिपुर गए, न मणिपुर के बारे में बात की, न संसद में जवाब दिया, न कोई एक्शन लिया। क्या मणिपुर को यही नेतृत्व चाहिए या विज्ञापनों की ताकत महान बताने के लिए पर्याप्त है? सरकार को बिना देर के मणिपुर के सभी पक्षों से बातचीत करके उन्हें विश्वास में लेकर स्थिरता और शांति लाने के लिए ठोस कदम उठाने शुरू करने चाहिए। असम के गोलघाटा जिले में भीषण हादसा हुआ है। एक बस और ट्रक की टक्कर में करीब 12 लोगों की मौत हो गई और 25 लोग घायल हुए हैं। यह दुर्घटना गोलाघाट के डेरगांव के पास बलीजान इलाके में सुबह करीब 5 बजे हुई। यह जानकारी गोलाघाट एसपी राजेंद्र सिंह ने दी है। जिला पुलिस ने बताया कि आज असम के गोलाघाट जिले के डेरगांव इलाके के पास बस एक ट्रक से टकरा गई। इस घटना में कई लोगों की मौत हो गई और अन्य घायल हो गए। गोलाघाट जिले में बुधवार को कोयला लेने जा रहे एक ट्रक और एक बस की आमने सामने की टक्कर में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई, वहीं 30 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होनी है। देश भर में इसको लेकर तैयारियां तेज हो गई है। वहीं पूरी दुनिया की नजर इस प्राण प्रतिष्ठा पर बनी हुई है। इस समय लोगों में रामलला की लोकप्रियता इतनी अधिक है, इसका असर बाजार में देखा जा सकता है। बाजार में कई तरीके के मॉडल है, जैसे एक मॉडल में राम जन्मभूमि स्थल पर निर्माणधीन भव्य मंदिर के डिजाइन को दर्शाया गया है। इस पर हिंदी में श्री राम मंदिर अयोध्या या श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या लिखा हुआ है। स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि मंदिर के इन मॉडल के अलावा भगवान राम के नाम वाली धातु की अंगूठियां, लॉकेट और अन्य कपड़े की वस्तुएं भी अयोध्या की दुकानों पर हाथों हाथ बिक रही है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या नगरी में मशहूर गायिका लता मंगेशकर को समर्पित चौक स्थानीय निवासियों और यहां आने वाले पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र बन गया है। इस चौक पर लोग उत्साह के साथ सेल्फी ले रहे हैं। कला में लोगों को अपनी ओर खींचने की शक्ति होती है और इस चौराहे के केंद्र में स्थापित 14 टन वजनी एक विशाल अलंकृत वीणा की प्रतिकृति अपना यह काम बखूबी कर रही है। अधिकारियों ने पहले बताया था कि 40 फुट लंबी और 12 मीटर ऊंची इस प्रतिकृति को प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार ने बनाया है। इसे करीब 7.9 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से बनाया गया है। लता मंगेशकर चौक राम पथ और धर्म पथ के चौराहे पर स्थित है। राम मंदिर के आगमी अभिषेक समारोह से पहले दोनों पथों का सुंदर प्रकाशमान स्तंभों के साथ खूबसूरती से सजाया गया है। अयोध्या और पड़ोसी जिलों से सैकड़ों लोग 31 दिसंबर की रात को नववर्ष का जश्न मनाने के लिए लता मंगेशकर चौक पर एकत्र हुए थे। अब फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आइए देखते हैं समाचार। घूस लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में लोकसभा से बर्खास्त टीएमसी सांसद मोआ मोइत्रा की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। मोआ के खिलाफ एक और शिकायत दर्ज कराई गई है। इस बार वकील अनंत देहाद्रई ने इस मामले में सीबीआई को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने शक जताया कि मोआ मोइत्रा उनकी निगरानी करवा रही है। अनंत देहाद्रई का आरोप है कि मोआ मोइत्रा बंगाल में अपने संपर्कों का इस्तेमाल कर उनके फोन की जासूसी करा रही है। अनंत का आरोप है कि टीएमसी नेता उनको पहले भी धमकी देती रही है कि वह जानती है कि अनंत कहां है। देहाद्रई का कहना है कि टीएमसी नेता पहले भी दूसरों की जासूसी करवाती रही है।
देश की राजधानी दिल्ली के एक फैक्ट्री में आग लग गई। जानकारी के मुताबिक बवान औद्योगिक क्षेत्र में बुधवार तड़के सुबह एक फैक्ट्री में आग लग गई। इस आग के कारण आसपास के इलाकों में कोहरा मच गया। आग की सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की 25 गाड़ियां पहुंच गई। फायर विभाग की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। आग काफी भयंकर है, अभी तक वजह साफ नहीं हो पाई। समाचार एजेंसी ANI के ट्विटर पर इस आग का एक वीडियो भी शेयर किया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे फैक्ट्री में आग लगी हुई है। समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल इस घटना से किसी की जान नहीं गई है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बसवे कल्याण में 5 दुकानों को लगी आग, 9 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने बुझाई आग। पुणे में शोरूम में घुसकर चोर लॉकर से उड़ा ले गए 3 करोड़ का सोना, CCTV में कैद हुई चोरी की पूरी घटना। पीएम मोदी ने लक्षद्वीप में 1156 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन, कहा सरकार कर रही समुद्री एरिया का विकास। असम के गोलाघाट में भीषण सड़क हादसा, बस ट्रक की टक्कर में 12 मौतें और 25 घायल। टीएमसी नेता वो मित्रा के खिलाफ एक और शिकायत दर्ज, वकील अनंत देवराय ने लगाया जासूसी का आरोप। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।